मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हमारे चैनल आईटीआई फीटर एम के माध्यम से बर्थ होल्डिंग डिवाइस मतलब जॉब कार्ड को पकड़ने की युक्तियां के बारे में जानेंगे। करने का मतलब जब हम ड्रिल मशीन पर किसी जॉब का ड्रिलिंग करते हैं तो उस जॉब को ड्रिल मशीन के टेबल पर हम पकड़ने वाली युक्तियां से उस जॉब को क्लेम करते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से हम बर्थ के कार्ड को पकड़ने वाली युक्तियां के बारे में जानेंगे। ड्रिल किए जाने वाले वर्क पीस को ड्रिल के साथ घूम जाने से बचाने के लिए वर्क पीस को ठीक ढंग से क्लैंप करना चाहिए। ये जो देख रहे हैं तो इसे हम ड्रिल मशीन बोलते हैं। और इस ड्रिल मशीन पर हमें इस वर्क पीस में मतलब इस जॉब में हमें होल करना है। तो ये जो है ड्रिल किए जाने वाले वर्क पीस को ये जो ड्रिल देख रहे हैं तो ड्रिल के साथ घूमने से बचाने के लिए मतलब जब हम इसमें होल करते हैं तो यहां हम देख रहे थे कि ये जो वर्क पीस था ड्रिल के साथ घूम रहा था। तो इस वर्क पीस को ड्रिल के साथ घूमने से बचाने के लिए वर्क पीस को ठीक ढंग से क्लैंप करना चाहिए। जैसे अगर हमें इसे घूमने से बचाना है तो इसे हम चलो तो यहां हम देख रहे हैं इस वर्क पीस को हम क्लैंप कर दिए ताकि जब भी अब हम इस पे ड्रिल करें तो यह नहीं घूम सकता है। गलत ढंग से लगे जॉब कार्ड मतलब वर्क पीस से न केवल ऑपरेटर को खतरा हो सकता है बल्कि इससे प्राकरण मतलब काम की शुद्धता भी गलत हो सकता है तथा ड्रिल भी टूट सकता है। गलत ढंग से लगे जॉब कार्ड मतलब वर्क पीस से मतलब ये जो जॉब देख रहे हैं इसमें हमें छेदा करना है होल करना है। अगर हम इसको क्लैंप ये जो अगर इसमें जो अगर हम क्लैंप करते हैं अगर वह हम सही तरीके से नहीं करेंगे या बिना क्लैंप का इस वर्क पीस पर होल करेंगे तो ना इससे केवल ऑपरेटर को खतरा होता है। ऑपरेटर कौन हो गया जो इस मशीन को चलाता है तो इससे ऑपरेटर को खतरा हो सकता है बल्कि इससे काम की शुद्धता भी गलत हो सकता है और ये जो ड्रिल है यह ड्रिल टूट भी सकता है। सही पकड़ सुनिश्चित करने के लिए अनेक युक्तियां प्रयोग की जाती है जैसे मशीन वाइज क्लैंप एवं बोल्ट। ये जो वर्क पीस है तो इस वर्क पीस को ड्रिल मशीन के टेबल पर सही पकड़ सुनिश्चित करने के लिए अनेक युक्तियां मतलब साधन प्रयोग किए जाते हैं जैसे मशीन वाइज। तो ये जो देख रहे हैं यह मशीन वाइज है मशीन वाइज पर भी हम इस जॉब को पकड़ सकते हैं। और दूसरा साधन है क्लैंप एवं बोल्ट। ये जो देख रहे हैं यह क्लैंप है और ये हो गया
बोल्ट, इसके द्वारा भी हम इस जॉब को ड्रिल मशीन के टेबल पर सही तरीके से पकड़ सकते हैं। तो पहला मशीन वाइज, तो अधिकांश ड्रिलिंग तार मशीन वाइज में पकड़े जाते हैं। अधिकांश ड्रिलिंग तार, मतलब ये जो वर्क पीस देख रहे हैं, तो इस वर्क पीस में जब भी हमें ड्रिल मशीन के द्वारा होल करना पड़ता है तो अधिकांशता यह मशीन वाइस में ही पकड़कर किया जाता है। तो ये जो देख रहे हैं मशीन वाइस है, और इसी मशीन वाइस में किसी वर्क पीस को पकड़कर इसमें ड्रिल किया जाता है। सुनिश्चित करें कि कार में ड्रिलिंग करते हुए ड्रिल उसके पार निकल जाने पर वह वाइस में न ड्रिलिंग करने लगे। इसके लिए जॉब को समांतर ब्लॉक पर ऊपर उठाकर इस प्रकार लगाया जाता है ताकि कार और वाइस के तली के बीच एक अंतराल रहे। ये जो वर्क पीस देख रहे हैं, तो इस वर्क पीस को हमें ड्रिल मशीन पर होल करना है। तो इसके लिए सुनिश्चित करें कि कार में, मतलब ये जो वर्क पीस है, तो कार में ड्रिलिंग करते हुए वह ये जो ड्रिल है यह पार्ट न निकल जाए। मतलब जब हम इसे मशीन वाइस में बांधते हैं और ड्रिलिंग करते हैं, तो यहां हम देख रहे हैं कि ये जो ड्रिल है इसमें होल करते हुए यहां पर मशीन वाइस के तल पे टच कर रहा है। जैसे ये देखिए, यहां आप देख रहे हैं कि ये जो ड्रिल है वर्क पीस में होल करते हुए मशीन वाइस में भी होल कर देगा। तो इससे क्या होगा, मशीन वाइस का ये वाला सतह खराब होगा। तो इसके लिए जॉब को, ये जो जॉब है, जॉब को समांतर ब्लॉक पर ऊपर उठाकर सेट करें। तो ये जो देख रहे हैं समांतर ब्लॉक है, तो इसके लिए समांतर ब्लॉक को मशीन वाइस पर इस प्रकार रखते हैं और इसके ऊपर हम जॉब को रखते हैं ताकि ये जो वर्क पीस है और ये जो वाइस का तली है इसके बीच गैप हो, और जब भी हम इसमें होल करें तो यह मशीन वाइस के तल को खराब न करें। यहां हम देख रहे हैं कि इस जॉब में ड्रिल के द्वारा होल हो गया है और यह ड्रिल मशीन वाइस के तल पे टच नहीं हो रहा। तो यहां यही चीज बताया जा रहा है कि जब भी किसी वर्कपीस में ड्रिल करें मशीन वाइस के द्वारा, तो उसके नीचे पैरेलल ब्लॉक, समांतर ब्लॉक रखकर उसके ऊपर वर्कपीस को रखें और फिर इसे कसे और फिर ड्रिल करें ताकि मशीन वाइस का ये वाला सतह खराब न हो सके। वर्क पीस जो सही नहीं है उसे लकड़ी के टुकड़ों द्वारा सहयोग किया जा सकता है। ये जो वर्क पीस देख रहे हैं, तो यह वर्क पीस सही नहीं है। कहने का मतलब इसे हम मशीन वाइस में जब बांधेंगे तो इसे बांधने में कठिनाई होगा। तो जो वर्क पीस सही नहीं है उसे लकड़ी के टुकड़े द्वारा सहयोग करके हम ड्रिल मशीन पर होल करते हैं। जैसे ये देखिए, ये मशीन वाइस है और यह वर्क पीस है। तो वर्क पीस को यहाँ पे रखते हैं और इसके नीचे लकड़ी लगाते हैं। ये देख रहे हैं, लकड़ी को लगाते हैं और फिर इसे
मशीन वाइस पे टाइट करते हैं और फिर इसमें ड्रिल करते हैं। दूसरा क्लैंप एंड बोल्ट। बोल्ट हेड लगाने के लिए ड्रिलिंग मशीन के टेबल में टी खांचे बनाए जाते हैं। इसे हम क्लैंप बोलते हैं, ये जो देख रहे हैं क्लैंप है, और ये जो देख रहे हैं इसे हम बोल्ट बोलते हैं, और ये हो गया बोल्ट का हेड। तो बोल्ट हेड को लगाने के लिए ड्रिल मशीन के मेज में, तो ये जो देख रहे हैं ड्रिल मशीन का मेज है, तो ड्रिल मशीन के मेज में टी खाचा, तो यहां हम देख रहे हैं एक उल्टा टी खाचा बना हुआ है। यहां पर देखिए उल्टा टी खाचा है, और यहां देखिए उल्टा टी खाचा बना हुआ है, ताकि इस टी खाचा में बोल्ट हेड को लगा सके। ये देखिए इस बोल्ट को हम इस प्रकार इस खाचा में लगाते हैं, और फिर इसके ऊपर क्लैंप को रखकर हम किसी वर्क पीस को हम टाइट कर सकते हैं। क्लैंप एवं बोल्ट का प्रयोग करते हुए जॉब कार्य को दृढ़ता पूर्वक पकड़ा जा सकता है। यह एक प्रकार का वर्क पीस है, तो और इस वर्क पीस में हमें ड्रिल मशीन के द्वारा इसमें होल करना है, तो होल करने के लिए इस वर्क पीस को, ये जो क्लैंप है और ये जो बोल्ट है, तो क्लैंप एवं बोल्ट का प्रयोग करते हुए जॉब कार्ड को दृढ़ता पूर्वक पकड़ा जा सकता है। तो अब हम देखते हैं कि इस वर्क पीस को किस प्रकार बोल्ट एवं क्लैंप के द्वारा कसेंगे। तो यहां हम देख रहे हैं कि क्लैंप और बोल्ट के द्वारा इस जॉब को मजबूती से पकड़ा गया है, ताकि इसे हम इस पे होल कर सकें। इस विधि का इस्तेमाल करते समय पैकिंग को यथासंभव कार्ड की ऊंचाई के बराबर पर तथा बोल्ट को कार्ड के समीप ही लगाना चाहिए। इस विधि का इस्तेमाल करते हुए, मतलब क्लैंप एवं बोल्ट का प्रयोग करते हुए किसी वर्क पीस को बांधते हैं, तो क्लैंप को पैकिंग के द्वारा, यहां पर देख रहे हैं ये क्लैंप है और यह पैकिंग है, तो क्लैंप और पैकिंग के द्वारा कार्ड के ऊंचाई के बराबर बांधते हैं। तो यहां हम देख रहे हैं ये जो वर्क पीस है, वर्क पीस का जो ऊंचाई है, इसी ऊंचाई के बराबर क्लैंप को पैकिंग के द्वारा बांधते हैं, और ये जो बोल्ट है, बोल्ट को कार्ड के समीप बांधते हैं।
कई तरह के क्लैंप होते हैं, इसलिए यह आवश्यक है कि क्लैंपिंग विधि को कार्य के अनुसार निर्धारित किया जाए। तो यहाँ हम विभिन्न प्रकार के क्लैंप देख रहे हैं। तो ये जो क्लैंप है तो इसका नाम है फिंगर क्लैंप, और ये जो क्लैंप देख रहे हैं तो इसका नाम है गूसनेक क्लैंप, और ये जो क्लैंप देख रहे हैं तो इसका नाम है यू स्ट्रैप क्लैंप, और इसका नाम है स्टेट क्लैंप, और इसका नाम है बेंट क्लैंप। क्लैंप कई तरह के होते हैं, तो यहां हम देख रहे हैं कई तरह के क्लैंप हैं, और इसलिए यह आवश्यक है कि क्लैंपिंग विधि को कार्य के अनुसार निर्धारित करें, मतलब जिस तरह का वर्क पीस है उसी के अनुसार क्लैंप का चुनाव करके उस वर्क पीस को हम क्लैंप करते हैं। जैसे इस वर्क पीस को क्लैंप करना है तो इसके अनुसार इस क्लैंप का सिलेक्शन करते हैं, तो यहां देख रहे हैं कि इस वर्क पीस को क्लैंप के द्वारा क्लैंप कर दिए। तो यहां यही चीज बताया जा रहा है कि ये जो क्लैंप है, क्लैंप कई प्रकार के होते हैं, और इसलिए यह आवश्यक है कि क्लैंपिंग विधि को कार्य के अनुसार निर्धारित किया जाए।